वाराणसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त मुलायम यादव निवासी जिला मऊ को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ने यह मोबाइल फोन एक दुकान से चुराया था। मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। इस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इस टीम को भी किया दुकान से 12 अदद एंड्रॉइड फोन चोरी होने के संबंध में FIR पंजीकृत कराया था। केस के अनावरण के लिए SHO सिगरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने सुरागसी पतारसी करते हुए एक अभियुक्त मुलायम यादव निवासी खानपुर बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया और जिसके कब्जे से उन्होंने 12 गज मोबाइल फोन बरामद किया है। ये माल गोदाम रोड सेंटर होम के पास से इसको गिरफ्तार किया गया और इसमें प्रभारी निरीक्षक सिगरा श्री राजू सिंह के अतिरिक्त उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह, चौकी प्रभारी रोडवेज, हेड कांस्टेबल संतोष अनूप कुशवाहा, कांस्टेबल संतोष राय व अमित कुमार का विशेष योगदान रहा। इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया है। तो पूरी टीम को 10,000 रुपये नगद से प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ अभियुक्त मुलायम का PCR लेकर के इसका आपराधिक इतिहास संकलित करके और उसके सहयोगियों की जानकारी करके गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई संपादित की जाएगी। सर, घटना से कितने दिन बाद आपका मोबाइल पड़ा? ये घटना 26/27 की रात की है और आज आप देख रहे हैं कि PC हो रही है। तो लगभग एक हफ्ते से अधिक में, 2 हफ्ते से कम में ये पूरी घटना का अनावरण किया गया। सर, लगातार जनपद में मोबाइल की इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में क्या सुझाव देना चाहते हैं घटना के सभी? मैं जितने भी मोबाइल कम्युनिकेशन के उपकरण बेचने वाले हैं, मोबाइल बेचने वाले लोग हैं या अन्य जो हमारे बिजनेसमैन हैं, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति उनको नज़र आता है, कहीं रैकी करता है, तो उसके बारे में तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन को या कंट्रोल रूम को सूचित करें। अपने प्रतिष्ठान में निश्चित रूप से CCTV कैमरा जरूर लगवाएँ और कैमरे को एक प्रवेश द्वार और निकास द्वार की तरफ भी लगवाएं। ये सभी व्यापारियों से, सभी जितने भी इस तरह के कार्य करते हैं, उनसे सुनते हैं।